वाला टोबा है। टोबा एक तालाब को कहते हैं, और बरसात का जो भी पानी होता है वो जमा इधर होता है, तो जानवर इधर पानी पीते हैं और इंसान भी एक साथ पानी पीते हैं। ये एक बहुत बड़ा टोबा है, गर्मियों में जब ये भर जाता है उसके बाद इसका पेंदा, अगर जो पहले ज़माने में जितने भी टोबे हुआ करते थे, शहनशाह लोग तांबे का इसका तय बनाते थे, वो पानी एक तो जज़ब नहीं होता था और दूसरा उसकी तांबे की तासीर जो है पानी में आती थी और उससे काफ़ी बीमारियां जो वो ख़त्म होती थी। लेकिन अब ये मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी में भी फ़ायदा है, कई लोग जो है 12 महीने इसका पानी पीते हैं और खुशहाल रहते हैं। ये देखें साफ़ सुथरा है, गदला भी पानी है, लेकिन इसको पानी को लेने के लिए आप कपड़े से आप छान कर पानी पिया करें। वैसे ये पानी जो है पीने के, देखने में तो पीने के लायक नहीं है, लेकिन मजबूरन फिर भी रोही के लोग इस पानी को पीते हैं। तकरीबन कितना साल पुराना होगा ये? तकरीबन काफ़ी साल, यानी कि 100 साल कह लें। इसको बाद में शेख जायद ने खुदवाया और बड़ा किया, लेकिन अभी इसकी खुदाई होनी चाहिए। जब मानसून की बारिशें नहीं होती तो पानी ख़त्म हो जाता है। अभी ये पानी थोड़ा सा है, लेकिन एक माह रहेगा, अगर बारिशें ना हुई तो ये पानी ख़त्म हो जाएगा और जानवरों के लिए बहुत मुश्किल होगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रीतम भाई ने टोबे के बारे में बताया, तो जी ये है वो टोबा जहाँ पे रोही के वासी और जानवर, उनके जानवर यहाँ से पानी पीते हैं। तो ये सारा बरसात का पानी इकट्ठा है। तो ये है नवाब शाह का टोबा, और यहाँ पर हमारे साथ एक फोक्स राइकी सिंगर रोहियो चोलिस्तान के फनकार भी हमारे साथ हैं। उनकी आवाज़ शायद आपको आवाज़ आ रही हो, वो आप देख सकते हैं उस साइड पे, वो सिंगिंग करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ एक सोशल वर्कर, हमारे बड़े ही प्यारे मित्र प्रीतम दास बालाज साहब, और यहाँ के रोही के मशहूर फनकार नरसिंह भगत साहब भी हैं। तो हम बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे सैर करने के लिए पहुँचे हैं। तो ये हमारे पीछे जो है ये टोबा है, यहाँ पे पानी का इकट्ठा होता है, जब बारिश होती है यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से चिरिंद परिंद और इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं, तो इसे नवाब वाला टोबा कहते हैं। तो नवाब वाला टोबे पे आप पहुँच चुके हैं, तो हम नरसिंह भगत साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई रोही का टोबे वाला कोई गाना सुना दें, तो फिर क्या ही मज़ा आ जाए। तो जनाब मेहरबानी होगी जी। Oh।
वाह वाह, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।